राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह के बाद मोदी सरकार दो ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी कर दिया। इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कद बढ़ा दिया गया है। राजनाथ सिंह जी की गृह मंत्री की कुर्सी खिसका कर उस पर शाह को बैठाया गया है, जबकि राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है, जबकि नितिन गडकरी का मंत्रालय पूर्ववत रखा गया है, उन्हें सड़क मंत्रालय सौंपा गया है। इस बार भी निर्मला सीतारमण को बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है, मोदी की टीम में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया है। इसी तरह एस जयशंकर, जो कि सुषमा स्वराज के खास सिपह सलार माने जाते हैं, उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया है, जबकि पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय का अहम पद सौंपा गया है। गुना शहर में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जश्न का माहौल नजर आया। नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा और उनके समर्थकों ने इस दौरान जमकर आतिशबाजी ही नहीं चलाई, बल्कि जनता में लड्डुओं और मिठाई बांटकर मोदी सरकार दो के सत्ता में काबिज होने का उत्सव मनाया। मंत्रियों में विभागों के बंटवारे के बाद भाजपा नेताओं के चेहरे खिले नजर आए। इस दौरान भाजपा नेता मंत्री और मंत्रालयों को जानने की उत्सुकता में टेलीविजन सेटों पर चिपके रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इस बार मोदी सरकार में कई नए मंत्रियों को भी जगह दी गई है। एनडीए के साथ ही रामविलास पासवान को खाद्य मंत्री के साथ साथ कई दूसरे मंत्रालय भी दिए गए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्रालय के साथ साथ पंचायती राज मंत्रालय भी दिए गए हैं। मंत्रालय मिलने के बाद मोदी सरकार 2 अपने अस्तित्व में आ गई है।